7 और 8 नवंबर को धर्मशाला में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर मीट को लेकर जहां मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जहां करोड़ों रुपए के एमओयू साइन होने की बात कर रहे हैं, तो वहीं इन्वेस्टर मीट के जरिए प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित होने का भी दावा किया जा रहा है। वहीं अब इन्वेस्टर मीट को लेकर कांग्रेस पार्टी के विधायक अब प्रदेश सरकार पर निशाना साधने से भी पीछे नहीं दिख रहे हैं। 7 और 8 नवंबर को धर्मशाला में आयोजित होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर मीट को लेकर जहां मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जहां करोड़ों रुपए के एमओयू साइन होने की बात कह रहे हैं, तो वहीं इन्वेस्टर मीट के जरिए प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित होने का भी दावा किया जा रहा है। वहीं अब इन्वेस्टर मीट को लेकर कांग्रेस पार्टी के विधायक अब प्रदेश सरकार पर निशाना साधने से भी पीछे नहीं दिख रहे हैं। वहीं नैना देवी से कांग्रेस पार्टी विधायक और पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने प्रदेश की सड़कों की बदतर हालत का हवाला देते हुए प्रदेश सरकार से इन्वेस्टर मीट का आयोजन करने के बजाय इन सड़कों की हालत को सुधारने की नसीहत दी है। रामलाल ठाकुर का कहना है कि शिमला धर्मशाला नेशनल हाईवे की हालत खराब है, मगर प्रदेश सरकार को इससे कोई सरोकार नहीं है, जिसके चलते आमजन से लेकर पर्यटकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने सड़कों की हालत खस्ता होने के चलते जहां धर्मशाला व मनाली जाने वाले पर्यटकों की संख्या घटने का आरोप लगाया, तो साथ ही इसका असर प्रदेश में स्थापित उद्योगों पर भी पड़ने की बात कही है। अब देखो, अगर मान लो ये जो हमारा शिमला से जो कांगड़ा की तरफ को जो नेशनल हाईवे था, वो पता ही लगा है कि वो निहाई को दे दिया। निहाई का वहाँ पे डायरेक्टर हमीरपुर में बैठा हुआ है, पैसा इनके पास नहीं है। अब ये बताइए कि इस पे टूरिस्ट भी आ रहे हैं, इस पे जो है वो शिमला की राजधानी है, तो लोगों ने जाना भी है, चंबा से लेके कांगड़ा से लेके सब ने इसी पे जाना, मंडी से इसी सड़क पे जाना है। जब सड़क का हाल ही बुरा होगा तो ये बताओ कि ये फिर कैसे चलेगा, कैसे आएगा टूरिज्म। जितनी मर्जी इन्वेस्टर्स मीट कर लो आप, अगर तुम्हारी सड़कें ठीक नहीं है, कौन आएगा भाई यहाँ पे? कोई आएगा जो होटल बनाने के लिए आएगा? जब तुम्हारा हाल ही बुरा है, तुम्हारी जो सड़कें हैं, मौजूदा सड़कें हैं, वो ठीक नहीं है, आप इन्वेस्टर्स मीट धर्मशाला में कर रहे हैं, लोगों को ऐसे थोड़ी बेवकूफ बनाया जाएगा। पहली चीज ये है कि धरातल पे क्या है, क्या ये सड़क जो है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो टूरिज्म है वो मेन चीज है कि भाई टूरिज्म बाहर से आएगा तो वो हिमाचल प्रदेश के लिए ये बड़े एक इनकम का जो है वो साधन है। अब जब आपकी सड़कें ही खराब होगी, यहाँ पे ना टूरिस्ट आएगा, यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हो रही है। हमारे 3 फैक्ट्रियां हैं यहाँ पे जो है, नदारला में फैक्ट्री है, सीमेंट प्लांट यहाँ पे जो है वो ये जो जेपी वाला था जो अभी अल्ट्राटेक वालों ने ले रखा है, और थर्ड हमारी जो पुरानी जो ACC का प्लांट लगा हुआ है, हजारों गाड़ियां चली हुई हैं। आप मेरे को बताओ कैसे चलेगी जब सड़कों का काम तुम्हारा ठीक नहीं होगा? पैसा अगर है तो सड़क ठीक होगी, लेकिन ये नेशनल हाईवे का काम कैसे हो रहा है? ये मतलब बहुत बुरा हाल है, कोई देखने वाला नहीं है, और ये नेशनल हाईवे का ये बुरा हाल है।